हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनीता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू सीआरपीसी. इन द लास्ट प्रीवियस क्लास ऑफ सीआरपीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 160 दैट इज रिलेटेड टू पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड 161 दैट इज रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. मैंने जो है अपने लेवल पर उसका बेस्ट करवाया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था वो वीडियो भी देख लीजिएगा. आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 162 दैट इज रिलेटिंग टू स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड. कि जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी जाती है, जो हम स्टेटमेंट देके आते हैं, हमारे जो बयान दर्ज करती है पुलिस, नॉट टू बी साइंड, उसको साइन करना जरूरी नहीं है. यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, और उस स्टेटमेंट को एविडेंस में यूज किया जाता है. अब ये स्टेटमेंट कौन सी है जो स्टेटमेंट 161 में रिकॉर्ड की जा चुकी है. वर्ड स्टार्ट हो रहा है नो से. नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. और लास्ट क्लोज में, लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन. वेयर इज दैट वर्ड? इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये वाला इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये बात कर रहा है 161 का. ये जो वर्ड इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, दिस इज अ नैरो कंसेप्ट. ये सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पर ये पावर जो है पुलिस की है. लेकिन ये इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पर्सन के द्वारा जो पुलिस ऑफिसर को दी गई है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर दिस चैप्टर, किस पूरे चैप्टर में, शैल इफ रिड्यूस इफ राइटिंग, अगर राइटिंग में उसे लिखा गया है, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो उसे साइन नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग ही नो से हो रही है. नोर शैल एनी स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन ए पुलिस डायरी और अदरवाइज, चाहे कोई अदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हो, चाहे वो पुलिस डायरी हो या अदरवाइज हो, और एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, या कोई भी पार्ट उस स्टेटमेंट का या जो रिकॉर्ड किया गया, बी यूज फॉर एनी पर्पज, ना ही उसको ऐसे पर्पज में यूज किया जाएगा. सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइजो दिया गया है उस प्रोवाइजो में यूज किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं किया जाएगा. एट एनी इंक्वायरी में या ट्रायल में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड. कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट 161 की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन सी बात वाली बात हो रही है, ये स्टेटमेंट बात हो रही है 161 की स्टेटमेंट की बात हो रही है. ये 161 की जो स्टेटमेंट है उसकी ये बात कर रहा है. तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो 161 में दी गई थी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी पुलिस ऑफिसर को दी गई, उसको जो है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो दिया गया, अगर उसे राइटिंग में लिखा गया था तो उसको साइन करना नहीं है, और ना ही उसको फर्दर किसी पुलिस डायरी या किसी भी उस पार्ट के उसको जो है कहीं भी किसी पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाएगा. लेकिन जो प्रोवाइजो है उसको छोड़कर, किसी भी इंक्वायरी ट्रायल में उसे यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रोवाइजो के हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है. कहां यूज किया जा सकता है वो समझ लेते हैं. प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड, जब कोई विटनेस, विटनेस का मतलब जिसके यहाँ स्टेटमेंट दर्ज है, कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब जिसके द्वारा केस फाइल किया गया. मान लीजिए केस का नाम है राम कुमार स्टेट वर्सेज राम कुमार, जो स्टेट होगा वो क्या प्रोसिक्यूशन होगा, जिसके पक्ष में पीपी कहते हैं आप, एपीपी कहते हैं जो सरकारी वकील होते हैं. इन सच इंक्वायरी ट्रायल हुज स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, जो पहले लिखी गई है. एनी पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, कोई भी उसका पार्ट है स्टेटमेंट का ड्यूली प्रूव्ड, पूरी तरह से अगर प्रूव किया गया है, मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, तो उसको अक्यूज द्वारा यूज किया जा सकता है. अक्यूज का मतलब डिफेंस काउंसिल के द्वारा यूज किया जा सकता है. एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी यूज किया जा सकता है, परमिशन ऑफ द कोर्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस, उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए. इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट का 145 कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास. एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज यूज्ड, अगर उसका कोई भी पार्ट स्टेटमेंट का यूज होता है, तो एनी पार्ट देयर ऑफ मे ऑल्सो बी यूज्ड इन एग्जामिनेशन, उसे री एग्जामिनेशन में भी यूज किया जाएगा. फॉर द पर्पज ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए. फिर बात कर रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज फर्स्ट ऑफ सेक्शन 32. कोई भी ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 32 में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन 32 है उसमें डायरेक्ट डिक्लेरेशन की उसकी खुद की ही
जो एप्लीकेशन है वो होती है, और टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, और प्रोविजन जो 27 में है डिस्कवरी से रिलेटेड इन एविडेंस एक्ट का, वहां भी ये प्रोविजन जो अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन कहता है एन ओमिशन टू स्टेट अफेक्ट, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ओमिशन, ओमिशन के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस ओमिशन को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर ओमिशन की हम बात करते हैं तो केस का नाम है तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में ओमिशन वर्ड को एक्सप्लेन किया गया, तो मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ एक्सप्लेन था। एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज इन द स्टेटमेंट, कि कोई ओमिशन हो गया है, कोई छूट गया है एनी फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज स्टेटमेंट में, इन सब सेक्शन 1 में अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो भी कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा। इफ द सेम अपीयर्स टू बी साइग्निफिकेंट, अगर उसका आगे कोई महत्व रहता है, एंड अदरवाइज रेलिवेंट हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट्स ओमिशन, ओके, और ये रेलिवेंट माना जाएगा, ये उसको उसके साथ जोड़ के देखा जाएगा कि जो स्टेटमेंट पहले दी गई थी क्या उसमें कोई फैक्ट छोड़ा गया, तो क्या वो ओमिट कर रहा था, वेदर एन ओमिशन अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि क्या वो कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 162 की, तो 162 के अंदर हर प्रकार की वो स्टेटमेंट आ सकती है जो स्टेटमेंट 161 की है, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। तो चलो मैं इसको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ एक पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको लिखवाती हूँ। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 162 की, इंक्लूड्स, एक तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड्स होंगी, फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स, कौन सी वाली स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 वाली, सेकंड बात कर रहा है कि इसमें जो रिपोर्ट्स है वो भी इंक्लूड हो जाएंगी, और इसके अलावा जो भी कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये तीन चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी, इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ और एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी रिपोर्ट जो इसमें शामिल हो जाएगी। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो इस सेक्शन 162 के अंदर जो वर्णन किया गया है एफआईआर के टाइम से, सॉरी जो ये विटनेसेस को एग्जामिनेशन होता है वो माना जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ विटनेसेस की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स फ्रॉम लॉजिंग एफआईआर टू चार्जशीट तक, सारा जो है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें जब तक ये माइंड में हमारे डाउट रहेगा तो हम जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं जो स्टेटमेंट है 32 क्लोज 1 में जो स्टेटमेंट होती है एविडेंस एक्ट की, उसकी बात यहां पर कर रहा है, तो कहता है कि एविडेंस एक्ट में अगर हम बात करें सेक्शन 32 क्लोज 1 की, जो डील किया जाएगा प्रोसीजर फॉलोड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोसीजर कौन सा होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोसीजर इसमें माना जाएगा। तो अगर हम इसकी आगे बात करें, आगे हम देखते हैं इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है ना, वहां पे क्या मतलब हुआ उसका, देखिए अगर आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें होता है स्टेट वर्सेस, मान लीजिए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूं यहाँ पे भजन लाल, एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये स्टेट की तरफ से जो केस लड़ेगा वो होगा एपीपी, और इसकी तरफ से जो केस लड़ेगा वो कोई भी काउंसिल हो सकता है, कोई भी वकील हो सकता है।
इसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूट कर रहा है जो, और यहां पर होगा डिफेंस। डिफेंस कौन होता है? एक्यूज जो होगा वो डिफेंस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो क्या कह रहा है कि वैसे तो उस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है, लेकिन सेक्शन 145 कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए है। देखिए 145 कॉन्ट्राडिक्शन होता है और सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस का कोरोबोरेशन होता है। पहले तो ये समझिए कोरोबोरेशन क्या होता है और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो स्टेटमेंट पुलिस को दी गई, 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस को दी गई, अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक्सीडेंट का केस है, पहले उसने स्टेटमेंट दी कि जी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी जो थी गाड़ी का नंबर जो था वो H4 45 12 11 ऐसे करके था, सारा उसने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन जब उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस में लाया गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस को बोलेंगे VW1, वहां पर आके वो कहता है जी वहां व्हाइट कलर की कार थी और व्हाइट कार थी और मुझे उसका नंबर नंबर का मुझे पता नहीं है। अब पहले वाली स्टेटमेंट और अब वाली स्टेटमेंट दोनों क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास कर रही है। लेकिन अगर मान लो पहले उसने गाड़ी नंबर बताया और दोबारा से भी वही सेम स्टेटमेंट अब दे रहा है तो वो कोरोबरेट हो रही है। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन में, आपके पास डायरेक्ट आप देखिए उसमें पढ़ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए यूज होता है बट ड्यूली प्रूव्ड। अब आप कहोगे ड्यूली प्रूव्ड क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूली प्रूव्ड, अब इसको समझना जरूरी है अगर हम इस कॉन्ट्राडिक्टरी को समझना चाहते हैं। क्या होता है ड्यूली प्रूव्ड? When we talk about duly proved, it means duly proved का क्या मतलब होता है? Duly proved, ठीक है। PW1 का एक सेकेंड यहां पर मैं लिख देती हूं, PW1 आया, ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दी, हम एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टेटमेंट दी कि ऐसे करके जो स्टेटमेंट 161 की उसने दी, उसमें कहा कि कार जो है वो व्हाइट कलर की है और कार का जो नंबर है वो H4 45 3 2 1 4 ऐसे करके है, ठीक है। अब जब PW1 आया यहां पर कोर्ट में, जब आया ये तो क्या है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन स्टेटमेंट आई थी। अब कोर्ट में आया, जब उसने स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी कार जो है व्हाइट कलर की थी और एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहां पर। अब डिफेंस उसे प्रूव कैसे करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा? सबसे पहले उसको ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा। पहले वो PW1 को कहेगा कि क्या आपने 161 में कोई स्टेटमेंट दी थी? अगर वो कहता है यस मैंने स्टेटमेंट दी, उसको स्टेटमेंट दिखाई देगा, ये स्टेटमेंट आपकी है, हाँ जी ये मेरी स्टेटमेंट है, तो फिर यहां पर वो इसको ड्यूली प्रूव्ड मान लिया गया क्योंकि इसने एडमिट कर लिया और वो ड्यूली प्रूव्ड हो चुकी है। अब डिफेंस जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और उस जो PW1 जो है उसको कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर उसने खुद ही अराइज कर दिया। लेकिन यहां पर 157 इंडियन एविडेंस एक्ट का कोरोबोरेशन पर्पस जो है वो कहीं भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। फिर आगे बात आती है कि प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। अब मान लीजिए PW1 है, ठीक है, पहले इसने स्टेटमेंट दी कि ये गाड़ी का नंबर है 4452196, ये गाड़ी का नंबर है, कलर उसका व्हाइट है। लेकिन जब कोर्ट में आया, कोर्ट में आया तो उसने कहा जी आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, डोंट नो मुझे कुछ नहीं पता। अब क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन होगा, APP होगा, वो कोर्ट को कहेगा, वो मजिस्ट्रेट को कहेगा जी मेरा जो है जो विटनेस है वो 1 आवर हो चुका है, 1 आवर का मतलब है कि वो बिक चुका है, सामने वाली पार्टी के हिसाब से वो फैस दे रहा है, वो स्टाइल हो गया है। और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो स्टाइल हो गया, डिफेंस के फेवर में दे रहा है, डिफेंस फेवर में है, तो वो क्या करेगा, अब PW1 को क्या करेगा, APP विद परमिशन ऑफ कोर्ट, अब उसको क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 का करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब वो स्टाइल हो चुका है, इसका मतलब सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है होस्टाइल विटनेस की, होस्टाइल विटनेस की बात करता है।
अब वो हॉस्टाइल हो चुका है, अब वो हॉस्टाइल हो गया तो यहाँ पर वो एविडेंस जो है उसको PW1 जो है उसको वो क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट लाइन एक और है, री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। उसके बाद री एग्जामिनेशन कब होता है, देखिए थ्री स्टेजेस होती है, कोई भी आप विटनेस करते हो ना किसी चीज का, अगर आप एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं कोर्ट में, तो तीन प्रकार का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होता है क्रॉस, फिर होता है री एग्जामिनेशन। चीफ प्रोसिक्यूशन करेगा, उसका क्रॉस कौन करेगा, डिफेंस करेगा। अब डिफेंस ने कोई ऐसी चीज उलझा दी है तो प्रोसिक्यूशन सोचेगा कि मेरा केस कमजोर ना पड़ जाए, वो फिर उसको री एग्जामिनेशन करेगा। तो कहने का ओवरऑल पर्पज है कि जो सेक्शन 162 बात करता है वो सिर्फ सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, नॉट अदरवाइज। और अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस चाहे, प्रोसिक्यूशन चाहे तो विद परमिशन उसका क्रॉस कर सकता है, कब, जब वो क्या बन जाए, होस्टाइल बन जाए। तो ये है आज का हमारा सेक्शन 162 का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा 163 को और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 64 और उसको जो अच्छे से कवर करेंगे। अब 163 क्या बात करता है, 163 बात करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई भी इंड्यूसमेंट ना दिया जाए, कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट दी जा रही है, कोई कन्फेशन किया जा रहा है, तो कोई भी इंड्यूसमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए। उससे पहले हमने ओमिशन वर्ड के लिए तहसीलदार का जो केस है उसको भी एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या फैक्ट्स थे उसके। तहसीलदार के केस में क्या था, जो वर्ड ओमिशन है उसको एक्सप्लेन किया गया था, उसमें ये बात कही गई कोर्ट ने कि वन रेसिटल इज नेसेसरी इम्प्लाइड फ्रॉम द रेसिटल ऑफ अ फाउंडेड इन द स्टेट। जब कोई भी बात जो है स्टेटमेंट में की गई है वो दोबारा से पाया जा रहा है, पाया जा रहा है दोबारा से, लेकिन कुछ ओमिशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो गाड़ी का नंबर बताना भूल गया, तो इस प्रकार से अगर कोई ओमिशन किया गया है तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट जो उसका है वो स्टेटमेंट में माना जाएगा। जब कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी जाती है और कोर्ट के सामने नहीं दी जाती सेम वही स्टेटमेंट, तो वो क्या माना जाएगा, ओमिशन माना जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई इंड्यूसमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, शैल ऑफर और मेक, कोई ऑफर नहीं देगा और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड, ना ही उसका कोई ऑफर ऐसा उसको बनाएगा कि किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट हो रहा है, उसको कोई इंड्यूस लालच दे रहा है, कोई थ्रेट धमकी दे रहा है, कोई काम करने का प्रोमिस दे रहा है, उस पर प्रोमिस के बेस पर जो सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस में दिया है उसके तहत से पुलिस ऑफिसर जो है कोई भी ऐसे एक्ट नहीं करेगा। मान लो पुलिस स्टेटमेंट दिलवा रही है, कोई लालच दे रही है कि तू तो स्टेटमेंट दे दे, मैं तेरे को इतने रुपए दिलवा दूं, मेरा केस सॉलिड हो जाएगा, अब ये करें वो करें, तो उस प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चैप्टर एंड स्टेटमेंट विच मे बी डिस्पोज ऑफ मेक ऑफ हिज ऑन फ्री विल, कहता है वो उसकी फ्री विल से होना चाहिए, फ्री विल के अलावा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी फ्री विल उसमें नहीं है तो उस मामले में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये कॉशन रखना चाहिए पुलिस को और किसी व्यक्ति का जब स्टेटमेंट वो ले रहा है। तो प्रोविजो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द सबसेक्शन ऑफ 164 के क्लोज 4 पर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 164 का क्लोज 4 क्या बात करता है, ये बात कर रहा है कन्फेशन की, जो 281 सेक्शन के बारे में है जो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए वीडियो की, वीडियो अपलोड हो, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। कोरोना के पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।